विशिष्ट शिल्पपति रतन टाटा परलोक मुंबईर एक घर हस्पिटाल रतन टाटा परलोक घटी 86 वर्ष बयस रतन टाटा परलोक घटी किदिन तेरे बार्धक्यता हेतु असुस्थता मुंबईर एक हस्पिटाल भर्ती होते टाटा ग्रुप को शीर्ष पहुंचाई रतन टाटा अति छोट पुंजी आरंभ कर से टाटा कंपानी को बजार प्रतिष्ठित कर 1991 टाटा सन्स चेयरमैन बनी 2004 मसीह पद्मभूषण एवं 2008 मसीह पद्म विभूषण सम्मान में विभूषित करा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्यमंत्री मोहन माझी समेत अनेक वरिष्ठ ट्वीट कर दुख प्रकाश कर विशिष्ट शिल्पपति रतन टाटा परलोक मुंबईर एक घर हस्पिटाल निधन घटी 86 वर्ष बयस रतन टाटा परलोक घटी किदिन ते बार्धक्यता हेतु असुस्थता मुंबईर एक हस्पिटाल भर्ती होते टाटा ग्रुप को शीर्ष पहुंचाई रतन टाटा तेज 1991 टाटा सन्स चेयरमैन होते 2004 मसीह पद्मभूषण एवं 2008 मसीह पद्म विभूषण सम्मान में विभूषित होते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्यमंत्री मोहन माझी समेत अनेक वरिष्ठ ट्वीट कर दुख प्रकाश कर रत्न कहते हैं वो रहा नहीं, ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था, एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतनी इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी रहनी उच्च विचार सरनी। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया, उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले, उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई, ऐसे उनका कर्तृत्व था। और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पर खड़ा करने का काम उन्होंने किया है, सिर्फ उद्योजक नहीं तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने
देश के लिए और समाज के लिए काम किया है। उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोफिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। टाटा ग्रुप की तरफ से प्रेस रिलीज दिया गया है, सुबह 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए एनसीपीए में रखा जा रहा है और पुलिस की तरफ से बंदोबस्त तो रहेगा, पर हमारा आप सबको अपील है कि जो लोग वहां दर्शन के लिए आएंगे, वहां पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो जो लोग आएंगे उनको यही पुलिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आप फॉलो करेंगे और जो पार्किंग है वहां पे ड्रॉपिंग पॉइंट से आपको आगे गाड़ी लेके जाने के लिए वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो जो भी लोग वहां आना चाहते हैं वो अपना पार्किंग की फैसिलिटी कहां पे अवेलेबल है वो देख के वहां पे आने की कोशिश करें। 28 दिसंबर 1937 मुंबई में जन्मग्रहण करते रतन टाटा, तांको बापांको नाम नवल टाटा। मुंबईर कैंपियन स्कूल रे अष्टम श्रेणी जाए से पाठ पढ़ी 1968 मसीह कर्नेल यूनिवर्सिटी डिग्री करते 1961 मसीह से प्रथमे टाटा स्टील रे काम आरंभ करते 1991 मसीह से टाटा सन्सर चेयरमैन होते कार्यकाल भितर से टेटले जगुआर लैंड रोवर आदि को निज अधीन को आनी निज आयर 60-65% विभिन्न चारिटी को से दान कर देउथिले। ऑटोमोबाइल क्षेत्र ठु आरंभ करी विभिन्न क्षेत्र रे टाटा ग्रुप्र अनेक दबदबा रही 2004 मसीह पद्मभूषण एवं 2008 मसीह पद्मविभूषण सम्मान रे मध्य विभूषित होइथिले। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।